नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। नौगांव में पति ने की पति की हत्या, कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर उतारा मौत के घाट। उत्तरकाशी में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार नौगांव ब्लॉक के हिमरोल गांव में महिला ने कुल्हाड़ी से पति की गर्दन पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच बड़कोट के नायब तहसीलदार जगेंद्र चौहान ने बताया कि सोमवार रात को पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने पति की हत्या कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्यारोपी काजल और मृतक जसपाल राणा की 2 साल पहले शादी हुई थी और महिला की 1 महीने की बेटी भी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्व निरीक्षक ब्रिजमोहन आर्य ने बताया कि महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्या में प्रयोग हुई कुल्हाड़ी को महिला के घर से करीब 25 मीटर दूर से बरामद कर लिया गया है। राजधानी देहरादून में बनेगा खेलो इंडिया का स्टेट सेंटर और स्टेट साइंस सेंटर। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत संग लिया फैसला। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की, तो इस दौरान रिजिजू ने उत्तराखंड को दी जाने वाली सौगातों की जानकारी दी। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड में खेलों के विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया, जिसके चलते मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में किया जाएगा और उत्तराखंड के हर जिले में न्यूनतम एक स्मॉल सेंटर खोला जाएगा। इसके साथ किरेन रिजिजू ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए अनुदान की मांग का प्रस्ताव खेल मंत्रालय वित्त मंत्रालय को भेजेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन फैसलों से उत्तराखंड में खेल विकास को नई दिशा मिलेगी। कौड़ियाला व्यासी के बीच बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद, खरादी में मलबा गिरने से यमुनोत्री हाईवे भी हुआ बंद। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कौड़ियाला व्यासी के बीच रास्ता बंद होने से देवप्रयाग और मलेथा से रूट डायवर्ट कर दिया गया है। वहीं दोपहर तक सड़क खुलने की आस में खड़े लोग शाम को लौट आए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यासी कौड़ियाला के बीच सिंगारी क्षेत्र फिर सरदर्द बन गया, जहां बार बार मलबा आने से यातायात बाधित हो रहा है। वहीं रविवार सुबह भी यहां मलबा आने से राजमार्ग बंद हो गया था, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी ने मलबा हटाकर यातायात बहाल किया, लेकिन सोमवार रात लगभग 1 बजे बोल्डर और मलबा राजमार्ग पर आ गिरा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों का मुख्यमंत्री योगी ने किया संज्ञान, मामले में तलब की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है, जिसे देखते हुए उन्होंने ट्रस्ट और जिला प्रशासन से इस मामले में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। आपको बता दें कि मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है और उनकी आस्था का अपमान है। 21 जून से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू पर मिलेगी छूट, रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी दुकानें। कोरोना के केस उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गए हैं, जिसके चलते अगले सोमवार यानी कि 21 जून से सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में और छूट देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें अब कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसी तरह पार्क और स्ट्रीट फूड के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी और इन जगहों पर ओल्ड हेल्प डेस्क की स्थापना होना अनिवार्य होगा। वहीं बाजार खोलने के नियमों में भी 21 जून से छूट मिलेगी, जिसके साथ अब रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।